अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पर Redmi 9 पावर डिवाइस, तो आपके लिए जो है यहाँ पर MIUI 13.0.1.0 यानी कि MIUI 13 एंड्रॉइड 12 का जो है अपडेट यहाँ पर रेडी कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ जानकारी हम इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले कि Redmi 9 पावर यूजर्स को जो है अपडेट कब तक देखने को मिलने वाला है MIUI 13 और एंड्रॉइड 12 अपडेट का। तो काफ़ी अच्छी जानकारी है, यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। हम इस वीडियो अंदर सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे, इंडिया में कब तक आएगा, कहाँ के लिए अपडेट को यहाँ पर रेडी करा गया है, सब कुछ जानकारी देंगे। तो बस आप लोगों ने काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आप सभी को जो है यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट के रिगार्डिंग वीडियो जो है यहाँ पर चैनल के ऊपर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर Redmi 9 Power के लिए अभी करंट वर्जन का एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट आया था, जिसमें मई का सिक्योरिटी पैच यहाँ पर रन कर रहा होगा। तो अपने डिवाइस को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि MIUI 13 आने से पहले हमें इंडिया में एक छोटा सा सिक्योरिटी पैच का अपडेट जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर MIUI 13 Android 12 अपडेट के बारे में। तो जो यहाँ पर आपको Redmi 9 Power डिवाइस देखने को मिलता है, वो यहाँ पर ग्लोबली और चाइना के अंदर Redmi 9T के नाम से लॉन्च हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर और जो बिल्ड नंबर रेडी करा गया है ना Redmi 9 Power के लिए MIUI 13.0.1.0, ये बिल्ड नंबर जो यहाँ पर चाइना यूजर्स के लिए अभी रेडी करा गया। और सबसे पहले अपडेट तो मैं आपको कई बार भी बता चुका हूँ कि चाइना में सबसे पहले अपडेट्स यहाँ पर जाते हैं। तो चाइना के लिए जो अपडेट्स को जो है ना यहाँ पर रेडी कर लिया गया, जिसका वर्जन है 13.0.1.0 SJQCNXM, ये पूरा इसका वर्जन यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर Redmi 9 Power यूजर्स के लिए। तो सबसे पहले चाइना में जाएगा। चाइना में बात कर लेते हैं कब तक अपडेट देखने को मिलने वाला है। तो Redmi 9 Power यूजर्स के लिए जो अपडेट है ना चाइना के अंदर, यहाँ पर कम से कम जो है आपको यहाँ पर 10 अगस्त तक देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्ड नंबर रेडी हो चुका है, 13.0.1.0 ही रिलीज होगा, पर यहाँ पर 10 अगस्त के आसपास जो है अपडेट यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा चाइना में। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर भी सबसे पहले मी पायलट टेस्टर को दिया जाएगा, वहाँ पर अपडेट सही रहा तो अगस्त के महीने में फुली रोल आउट कर दिया जाएगा चाइना में। फिर उसके बाद जो अपडेट जाएगा ग्लोबली के बाद इंडोनेशिया, ताइवान, तुर्की, यूरोप, इधर जो कंट्रीज है यहाँ पर देखने को मिलेगा, और लास्ट में हमारा इंडिया आने वाला है, जिसके अंदर जो हमें अपडेट को दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर इंडिया में इतनी जल्दी अपडेट नहीं आने वाला है। MIUI 13 से पहले आप लोग एक छोटा सा सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी कंपनी वाले दे सकते हैं, ताकि आपके डिवाइस को एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच दिया जा सके। बट यही है कि यहाँ पर Redmi 9 Power यूजर्स के लिए फाइनली जो अपडेट है वो चाइना में रिलीज होने जा रहा है। बस अब चाइना में रिलीज हो जाए अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक, फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर धीरे धीरे हर कंट्रीज में देखने को मिलेगा। अब मैं एक टाइमलाइन की बात कर लेता हूँ कि इंडिया में कब तक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा Redmi 9 Power यूजर्स के लिए। तो MIUI 13 Android 12 का जो अपडेट है दोनों साथ में ही आएंगे, बिल्ड नंबर कुछ भी इंडिया के लिए तैयार हो सकता है, वो समय ही पता लगेगा। अभी आपको एक जानकारी दे दूँ कि Redmi 9 Power के लिए जो अपडेट है MIUI 13 Android 12 का, वो आपको लगभग सितंबर का एंड यहाँ पर लग सकता है। जी हाँ, तो सितंबर का एंड तो कम से कम मान के चलिए, उससे पहले बहुत मुश्किल है। उससे पहले लाइन में अदर भी कंट्रीज यहाँ पर अभी है, तो उनके अंदर पहले जाएगा। आपको हमेशा ही बता चुका हूँ कि ग्लोबली में और चाइना या अदर कंट्रीज में पहले जाता है इंडिया के मुकाबले। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर चाइना में अगस्त के सेकेंड फर्स्ट वीक तक जो है यहाँ पर अपडेट को रिलीज़ कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ ही हफ्तों बाद जो है, या 3-4 हफ्तों बाद जो है ग्लोबली जाएगा अदर कंट्रीज में, और सितंबर एंड लगा देगा यहाँ पर इंडिया में ये अपडेट आने में। बाकी अगस्त के एंड और सितंबर का जो फर्स्ट वीक है ना, उसमें इंडिया में कब अपडेट आएगा और भी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी और कन्फर्म हो जाएगी। तो हमें कम से कम अगर सितंबर के फर्स्ट वीक तक अपडेट करेंगे, उस समय हमारे पास काफ़ी सारी न्यूज़ आ जाएगी इस डिवाइस के रिगार्डिंग, स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आ जाएगी। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वेट करिए। उससे पहले आपको एक छोटा सा सिक्योरिटी पैच कंपनी वाले जरूर यहाँ पर देंगे ही। तो अभी यही है कि चाइना के लिए अपडेट रेडी हो चुका है, चाइना में भी मिलेगा, वहाँ पर टेस्टिंग कंप्लीट होते ही अदर कंट्री में उसको भेज दिया जाएगा, और धीरे धीरे करके सभी कंट्रीज में जाएगा, जिसमें सितंबर का जो महीना है कम से कम इतना टाइम लगने वाला है। तो बस इतना था इस वीडियो के अंदर, बाकी मैं आपको स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर अगस्त एंड और सितंबर का जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर देने वाला हूँ, क्योंकि उसी के टाइम लाइन में जो है बहुत सारी चीज़ें कन्फर्म होंगी। तो बस इतना था इस वीडियो के अंदर, बताइएगा जरूर कि आप Redmi 9 Power यूजर्स हैं कि नहीं। जय हिंद।